हाय गाइस, आज हम सीखेंगे एक्सेल यूज़ करना। एक्सेल बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे कि दो चीज़ों को कैसे जोड़ना होता है। तो सबसे पहले चालू कर लेते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम, सिटी जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, और फॉर एग्जांपल एज, और जेंडर भी, क्योंकि वो बहुत ही रेगुलर रहता है। तो मैं टाइप करता हूँ, मेरा फर्स्ट नेम है रक्षित, लास्ट नेम है सिंगल। मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। एज वैसे तो लड़कियाँ नहीं बताती, बट मैं भी नहीं बताऊँगा क्योंकि फिर आप जज करेंगे, तो एज को हटा देते हैं। और मैं हूँ मेल। अब यहाँ पे करते हैं रिजल्ट 1, रिजल्ट 2, रिजल्ट 3। आज आप अच्छे से सीख जाएंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे। तो अब अपन किसी भी फॉर्मूले को स्टार्ट करने से पहले इक्वल्स टू का साइन लगाना पड़ता है, और इक्वल्स टू का साइन वहाँ लगाना पड़ता है जिस सेल में आपको रिजल्ट चाहिए। तो मुझे इस सेल में रिजल्ट चाहिए, तो मैं इसमें फॉर्म लगाऊंगा, और उस फॉर्मूले का नाम है कॉनकैटिनेट, CONCATENATE। इसको आप सेलेक्ट करेंगे, फिर जैसे ही आप किसी फॉर्मूले को सिलेक्ट करते हैं और तो ब्रैकेट ओपन हो जाते हैं। अब ब्रैकेट ओपन मतलब अब आपको फॉर्मूला इनपुट करना है। तो मैं किस किस को जोड़ना चाहता हूँ पहले वो सिलेक्ट कर लूँगा। तो पहले मैं फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं लगाऊँगा कॉमा और फिर अपोस्ट्रोफी। उसके बाद अगर मैं गैप देना चाहता हूँ मेरे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में, तो मैं स्पेस दूंगा। अगर मैं हाइफ़न देना चाहता हूँ तो मैं हाइफ़न लिखूँगा। अगर मैं डॉलर साइन लगाना चाहता हूँ उन दोनों के बीच में, तो डॉलर साइन लगाऊँगा। फिर से मैं अब इसको क्लोज़ कर दूँगा, फिर कॉमा लगाऊँगा। ये हो गया, ये जो बीच का कॉमा से कॉमा तक का था सफ़र, यही एक अपना फॉर्मूले का बीच का मेन पार्ट है। इसमें आप जो डालेंगे वो आपको आउटपुट मिलेगा। तो अपन ने पहली स्ट्रिंग करी थी सिलेक्ट रक्षित, अब मैं नाम सेलेक्ट कर रहा हूँ सिंगल, यानी B2 कॉलम। सिंगल से इम्पॉर्टेंट नहीं है, B2 कॉलम में जो भी होगा B2 सेल में वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। अब मुझे फॉर्मूला कंटिन्यू करना है तो मैं आगे वापस कॉमा लगा के वो सब चीज़ें करूँगा, और बंद करना है तो मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो देखिए रक्षित डॉलर सिंगल आ गया। तो मैं डॉलर को यहाँ से एडिट करके स्पेस दे देता हूँ। तो देखिए रक्षित स्पेस सिंगल आ गया। और अगर मैं इसमें हाइफन लगा देता हूँ तो रक्षित हाइफन सिंगल आ गया। इस तरीके से अगर अपन को अब ये स्ट्रिंग कंटिन्यू करनी है, रिजल्ट 2 देख लेते हैं फटाफट से। इसमें मैंने इसको सेलेक्ट किया वापस मैंने, और अगर मैं स्पेस नहीं दूंगा तो वापस में चिपक जाएंगी, वो भी दिखा देता हूँ मैं। देखिए मैंने स्पेस नहीं दिया है दो अपर कॉमास के बीच में। देखिए रक्षित सिंगल जयपुर हो गया है। मैं इसमें स्पेस दे देता हूँ। तो ये तो मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला इजी है, रिजल्ट 3 की अपने को ज़रूरत नहीं है। अपन लोग स्मार्ट हैं, कोई प्रैक्टिस करोगे बार बार आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से आप किसी भी चीज़ को जोड़ सकते हो। तो इस फॉर्मूले को अगर वापस देख लेते हैं, क्या नाम था इसका? फॉर्मूले का नाम था इक्वल्स टू लगा के कॉनकैटिनेट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। आपको एक्सेल में जो भी क्वेरीज हैं, बेसिक लेवल एडवांस लेवल, आप शेयर करें कमेंट बॉक्स में, मैं उन पर ज़रूर एक्टिवली वीडियोस बना के आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करूँगा। ओके गाइस, बाय। थैंक यू सो मच।